नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। तो कंपनी से जुड़ी एक अपडेट है, और वो अपडेट है यहाँ पे एथेनॉल प्रोजेक्ट को लेके, जिस पे कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। तो कंपनी ने इसके बारे में एक्सचेंज को बताया है, और अगर आप देखोगे पूरी खबर तो कंपनी ने बोला है कि कंपनी अगले साल तक यहाँ पे अप्रैल तक जो प्रोडक्शन है एथेनॉल का वो शुरू करने वाली है, और इसके अनुसार जो कॉस्ट है वो लगभग 2250 करोड़ के आसपास, और जो एस्टिमेट जो कंपनी ने रेवेन्यू एस्टिमेट किया है वो अराउंड 3500 करोड़, और एनुअल 3500 करोड़ रुपए एनुअल रहने वाले हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो टाइम है, कंपनी सोच रही है कि किस टाइम तक यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएगा, तो वो टाइम है यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है कि वो यहाँ पे इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का, उसको कम करना चाहती है, और इसके लिए यहाँ पे जो पेट्रोल है उसके अंदर एथेनॉल है वो मिलाने वाली है। लगभग यहाँ पे 20% के आसपास एथेनॉल इन फ्यूचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो मिलाना चाहती है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है फ्यूचर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, और इस कंपनी को यहाँ पे शुरू में जो प्रोजेक्ट मिला है इसका फ़ायदा काफ़ी होने वाला है अगर आप देखोगे रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से। तो स्टॉक को आप कंटिन्यू ट्रैक कीजिए, और जो भी अपडेट आती है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप चैनल से भी जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।